सलमान खान से इतनी नफरत क्यों करते हैं गोविंदा? गोविंदा ने बॉलीवुड में काफी लंबी पारी खेली है। अपने लंबे करियर में गोविंदा ने जितने दोस्त बनाए उससे कहीं ज्यादा दुश्मन बनाए, लेकिन सलमान खान से उनकी दुश्मनी इतनी नफरत भरी है कि गोविंदा सलमान खान का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। गोविंदा के करियर के बुरे दौर में सलमान खान ने उनकी काफी मदद की, ऐसा खुद गोविंदा का मानना है। फिर ऐसी क्या वजह है कि गोविंदा सलमान खान का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते? गोविंदा का मानना है कि सलमान ने भले ही उनके साथ दोस्ती निभाई, लेकिन उनके बच्चों के साथ दगा किया, जिसकी वजह से उनके दोनों बच्चों टीना और हर्ष का करियर शुरू ही नहीं हो पाया। 2007 में आई पार्टनर गोविंदा की कमबैक फिल्म थी। सबको पता है कि ये फिल्म गोविंदा को सलमान की सिफारिश पर मिली थी। फिल्म के दौरान गोविंदा अपनी कॉमेडी से सलमान पर भारी पड़े और फिल्म की कामयाबी का सारा क्रेडिट ले उड़े। सलमान ने भी दरिया दिल्ली दिखाते हुए इसे गोविंदा की फिल्म बताया। इस फिल्म के दौरान गोविंदा और सलमान खान के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। सलमान खान ने गोविंदा से वादा किया कि वो उनकी बेटी नर्मदा आहूजा को अपनी फिल्म दबंग से बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे। ये खबर सारे मीडिया में फैल गई, लेकिन जब दबंग की कास्टिंग का खुलासा हुआ तो नर्मदा की जगह सोनाक्षी सिन्हा ने ली। इससे गोविंदा काफी हर्ट हुए और इसे सलमान की वादा खिलाफी बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। गोविंदा को मनाने के लिए सलमान खान ने टीना को महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनने वाली अपनी अगली फिल्म से लॉन्च करने का वादा किया, लेकिन गोविंदा नहीं माने और भविष्य में कभी सलमान के साथ काम न करने का ऐलान कर दिया। 2015 में सलमान ने गोविंदा को मनाने की एक और कोशिश की और उनके बेटे हर्ष को अपने बैनर तले बनने वाली फिल्म हीरो से लॉन्च करने का ऑफर दिया, लेकिन गोविंदा फिर भी नहीं माने। गोविंदा का कहना है कि सलमान खान ने उन पर कभी कोई एहसान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ही सलमान के बुरे दौर में उनकी कई फिल्मों में गेस्ट रोल कर सलमान की मदद की, लेकिन सलमान ने इस मदद का सिला उनके साथ वादा खिलाफी करके दी। सच जो भी हो, लेकिन आज गोविंदा करियर के जिस दौर में है उसमें उन्हें सलमान खान के मदद की सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि गोविंदा अपनी तरफ से ऐसा कोई पहल करना चाहेंगे।